a very good morning to everyone so uh, we are now moving towards the next topic that is uh, sql joins in the same chapter so sql joins from the name itself you can understand join join means to combine now if you want to join something if you want to combine something then you have to have at least two of those things to join them है ना हमारे पास कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो ज्वाइन की बात कर रहे हैं ये जो ज्वाइन होता है ये ज्वाइन एक ऐसी क्वेरी होती है जो दो या दो से ज्यादा ठीक है जो दो या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करने के काम आती है ठीक है ये याद रखना ज्वाइन एसक्यूएल जॉइन्स क्या होते हैं तो एसक्यूएल जॉइन्स आर द क्वेरीज दैट जॉइन टू और मोर टेबल्स है ना दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हम एसक्यूएल जॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं एकमात्र कंडीशन होती है एसक्यूएल जॉइन ज्वाइन की कि जो दो टेबल्स जिनको हम ज्वाइन करने जा रहे हैं उन दोनों टेबल्स में एक कॉलम ऐसा रहना चाहिए जो दोनों के दोनों टेबल्स में कॉमन हो ठीक है एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों हमारे टेबल नंबर वन और टेबल नंबर टू जो दोनों में कॉमन हो जब तक हमारे दोनों टेबल्स में कॉमन डेटा नहीं होगा तब तक ज्वाइंट्स परफेक्टली वर्क नहीं करेंगे ठीक है तो बहुत जरूरी होता है कि जो दो टेबल्स पे हम जॉइन करना चाह रहे हैं दिन जिन दो टेबल्स को हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं उन दोनों टेबल्स में कोई ना कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों टेबल्स में कॉमन हो जब वो दोनों टेबल्स में कोई एक कॉलम कॉमन होगा तब ही जाकर हम दो टेबल्स पर जॉइन कंडीशन लगा सकते हैं आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि दो टेबल्स में एकमात्र इनकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि दोनों में एक कोई सा भी कॉलम कॉमन होना चाहिए अब क्या होता है ज्वाइन में एक कंडीशन तो हमको ये पता चल गया कि बिया देर शुड बी एटलीस्ट वन कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल्स नाउ हाउ टू डिस्प्ले इट इसको लिखते कैसे हैं तो लिखने का जो तरीका होता है वो तो सेम रहता है जैसे कि सिलेक्ट एज फ्रॉम पेट। अब यहाँ पर एक टेबल से होता तो इतना लिखते पर ये तो ज्वाइन कंडीशन है और जॉइंट कंडीशन दो या दो से ज़्यादा टेबल पे लगती है तो दोनों टेबल के नाम लिखने पड़ेंगे तो यहाँ पर जो भी आपने फील्ड्स डाली होंगी वो कौन कौन से टेबल में से सिलेक्ट करना है अब कुछ फील्ड्स टेबल वन की हो सकती हैं कुछ फील्ड्स टेबल टू की हो सकती हैं हम तो उन दोनों फील्ड्स को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो ये जो फ्रॉम क्लॉज होता है यहाँ पर इस फ्रॉम क्लॉज में हमको दोनों टेबल्स के नाम लिखने पड़ते हैं और भी टेबल थ्री टेबल फोर टेबल फाइव हो तो वो भी लिख सकते हो बट अभी हम क्या करेंगे जितनी भी फील्ड्स हैं जैसे कि सिलेक्ट एज सेक्स सीरियल नंबर एम्प्लॉय आई अब ये मैंने कुछ कॉलम्स बना लिए तो ये सारे मुझे सिलेक्ट करना है कहाँ से तो फ्रॉम और जो भी मेरे टेबल के नाम है ई और पेट जैसे कि तो ई एम पी कॉमा पेट, ई एम पी एल कॉमा पेट, ऐसे करके मैं दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकता हूँ अब अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूँ ये जो दो लाइंस पे लिखा हुआ है सिर्फ यहाँ तक का कोड लिखूँगा तो वो जॉइन करने के लिए सफिशेंट नहीं है टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हमको जो एक ख़ास चीज़ लगती है वो होती है जॉइन कंडीशन ठीक है एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोला जाता है जॉइन कंडीशन जो कि हमारे हर एक ज्वाइन कंडीशन में लिखी जाएगी ज्वाइन कंडीशन कैसे लिखते हैं वो समझते हैं तो जॉइंट कंडीशन जो होती है वो वेयर क्लॉज के अंदर लिखी जाती है सबसे पहली बात जो हमको पता होना चाहिए वो वेयर क्लॉज के अंदर लिखी जाती है और फिर वट एवर कंडीशन जो भी कंडीशन होगी उसको लिख देंगे अब जो भी कंडीशन होगी उसको लिख देंगे तो कंडीशन क्या हो सकती है कैसे लिख सकते हैं तो उसको समझते हैं देखो जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया हुआ है सिलेक्ट ई नेम कॉमा लोकेशन फ्रॉम ई एम पी एल कॉमा डी ई पी टी है ना तो इन्होंने लिख दिया कि ई नेम और लोकेशन सेलेक्ट करो अब ई नेम हमारे टेबल नंबर वन का डेटा है और एल ओ सी लोकेशन हमारे टेबल नंबर टू का डेटा है ठीक है अब इन दो अलग अलग टेबल्स से हम डेटा कंबाइन करना चाहते हैं है ना ई नेम दूसरे टेबल में है एल ओ सी दूसरे टेबल में है दोनों अलग अलग टेबल्स के डेटा को शो करना है तो हमने यहाँ पर लिख दिया दोनों टेबल्स के नाम फ्रॉम ई एम पी एल डी ई पी टी मतलब ई एम पी एल और डी ई पी टी नाम के टेबल्स में से हमको ई नेम और लोकेशन नाम के कॉलम्स को डिस्प्ले करवाना है अब जब एक से ज़्यादा टेबल्स में से डिस्प्ले करवाना था तो हमने फ्रॉम में यहाँ पर एक टेबल की बजाय दोनों टेबल्स के नाम लिख दिए है ना अब दोनों टेबल्स के नाम लिखने थे तो कॉमा लगाकर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया अब सिर्फ इतना लिख देने से यहाँ तक का लिख देने से आपका काम कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पर इन्होंने एक और वेयर क्लॉज लगाया वेयर क्लॉज में इन्होंने लिखा ई नेम इक्वल्स टू अनूप मतलब कि यहाँ पर हमको क्या क्या डिस्प्ले करना है ई e नेम डिस्प्ले करना है और लोकेशन डिस्प्ले करना है अब किसका ई e नेम डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर इन्होंने मैंशन कर दिया अनूप का मतलब कि टेबल नंबर वन से अनूप का डेटा लिया जाएगा और टेबल नंबर टू से उसकी लोकेशन ली जाएगी ठीक टेबल नंबर वन से उसका नाम ले लिया अनूप और टेबल नंबर टू से ये टेबल नंबर वन है ये टेबल नंबर टू है टेबल नंबर टू से ले ली उसकी लोकेशन यहाँ से उसकी लोकेशन ले ली यहाँ से उसका नेम ले लिया और इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया तो ज्वाइन करने के लिए इन्होंने सेलेक्ट ई नेम और लोकेशन फ्रॉम ई एम पी एल और डी पी टी इतना तो लिख दिया अब इनको अगर सबके चाहिए होते तो यहाँ पर हम ये लाइन नहीं लिखते ये जो थर्ड वाली लाइन है ये वाली ये वाली लाइन हम नहीं लिखते बट यहां पर हमको अनूप के बारे में चाहिए है डिटेल्स तो यहां पर इन्होंने लिख दिया वेयर इन टू अनूप पर इतना लिख देने से भी काम नहीं बनेगा आपने यहाँ पर जब दो टेबल्स के नाम लिखे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप जॉइन क्वेरी का इस्तेमाल करना चाहते हो और जब आप जॉइन क्वेरी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो जॉइन क्वेरी के लिए आपको चाहिए जॉइन कंडीशन ठीक है अब कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं अब देखो अब वेयर क्लॉज में एक वेयर क्लॉज तो ये दे दिया एक कंडीशन तो ये दे दी कि जिसका ई नेम अनूप अब एक और कंडीशन हमको देनी है जो कि ज्वाइन कंडीशन है तो अब जब एक से ज्यादा कंडीशन देनी है तो यहां पर इन्होंने लगा दिया एंड एंड लगाने के बाद जो भी आपकी अगली कंडीशन है वो यहां पर इन्होंने लिख रखी है अब ये अगली कंडीशन क्या लिखी है वो थोड़ा सा समझो टेबल का नाम था ई टेबल का नाम था डी तो यहां पर इन्होंने लिखा है ई और डी ऐसा लिखा है ई एम पी एल और डी ई पी टी लिखने के बाद इन्होंने लिखा है दोनों टेबल्स में जो कॉमन कॉलम है उसका नाम तो पहले किसी का भी लिख सकते हो पहले डीपीटी भी लिख सकते हो पहले ई भी लिख सकते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर लिख लिया ई एम पी एल डॉट डी पी टी एन ओ क्योंकि डी ई पी टी एन ओ ई एम पी एल टेबल में था और इक्वल टू साइन लगाने के बाद डी पी टी डॉट डी पी टी एन ओ मतलब जो जॉइन कंडीशन होती है उस जॉइन कंडीशन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं टेबल वन का नाम और कॉमन कॉलम इक्वल्स टू टेबल टू का नाम डॉट कॉमन कॉलम ये आपको लिखना होता है अगर आप इतना लिख देते हो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जॉइन कंडीशन को लिख दिया है ठीक है तो इस तरीके से जॉइन कंडीशन लिखी जाती है तो ये हमको ये पता होना चाहिए कि जॉइन कंडीशन को कैसे लिखते हैं ठीक ई एम पी एल टेबल का नाम है डॉट डी पी टी एन ओ कॉमन कॉलम का नाम है इक्वल्स टू डी टेबल का नाम है डॉट डी पी टी एन ओ कॉमन कॉलम का नाम है तो इस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं हम ज्वाइन कंडीशन को लगा सकते हैं और इस ज्वाइन कंडीशन को लगाकर हम दो अलग अलग टेबल्स से डेटा को कंबाइन करके शो करवा सकते हैं अब जो ज्वाइन कंडीशंस होते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिंपल ये एक तरीके का ज्वाइन देख लिया ज्वाइंस का काम हो गया यहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पॉसिबल हैं पाइथन के अंदर सॉरी uh, माइस्क्यूल के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स पॉसिबल हैं यहाँ पर सारे जॉइंट्स के नाम और एक लाइन में उनकी डेफिनेशन दी हुई है पहला दिया हुआ है कार्टेजियन प्रोडक्ट दूसरा है इक्वी जॉइन तीसरा है इनर जॉइन चौथा है नेचुरल जॉइन ठीक है तो पहले देखते हैं कार्टेजन प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझते हैं ये बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए उससे ज़्यादा कुछ हमको ध्यान नहीं रखना है तो कार्टेजियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरे पहले टेबल में चार रोज़ हैं मेरे दूसरे टेबल में पांच रोज़ हैं तो जैसे कि अगर मैंने अब यहाँ पर समझो कि मैंने कार्टेजियन ज्वाइन लगाया तो जब कार्टेजियन ज्वाइन लगाऊंगा तो ये क्या करेगा पहले टेबल को इन चारों से कंबाइन करेगा दूसरे रो को इन चार से कंबाइन करेगा तीसरे रो को इन चार से कंबाइन करेगा तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो वो जनरेट करेगा वो होगी फोर इंटू फाइव मतलब टोटल ट्वेंटी रोज़ जनरेट हो जाएंगी अभी पहले टेबल में चार थी दूसरे टेबल में पांच थी जब हमने इन दोनों के ऊपर जॉइन लगाया तो उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल नंबर ऑफ रोज अब कितनी जनरेट हो गई ट्वेंटी ठीक तो इस तरीके से अब हमारा जो आउटपुट जनरेट हुआ उसके अंदर ऐसी ट्वेंटी नंबर ऑफ रोज जनरेट हो गई एक के नीचे एक तो इसको बोला जाता है कार्टिज प्रोडक्ट एन एसक्यूएल जॉइंट क्वेरी विदाउट एनी ज्वाइंट कंडीशन रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ज्वाइंट विथ ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर टेबल जैसे कि ये मेरा टेबल है और अगर मैं सिर्फ इतना डेटा लिख देता ठीक है और ये जॉइन कंडीशन नहीं लगाता तो जॉइन कंडीशन नहीं लगाने पर वो क्या करता है हर एक रो को बची हुई हर एक दूसरे टेबल के हर एक रो से मल्टीप्लाई से जोड़कर लिख देता है तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रोज बन जाती है तो कार्टेजिन प्रोडक्ट की डेफिनेशन यही होती है कि जब कभी आप आ, मतलब कि ज्वाइन कंडीशन नहीं लिखोगे ठीक है जब कभी हम ज्वाइन कंडीशन को मेंशन नहीं करते हैं तो विदाउट एनी ज्वाइन कंडीशन जो डेटा हमको आ, शो होता है दो टेबल्स को में ज्वाइन होता है तो वो कहलाता है कार्टेजियन प्रोडक्ट कार्टेजियन प्रोडक्ट को क्रॉस ज्वाइन भी बोला जाता है अगला दिया हुआ है इक्वी ज्वाइन इक्वी ज्वाइन का मतलब होता है जिसमें आ, दो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए इक्वलिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं इक्वी ज्वाइन तो ये देखो ऊपर यहाँ पर इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज़ हुआ है क्या देखो इक्वल टू का साइन लगा है और जॉइन कंडीशन ये रही तो ये हमारा क्या कहलाएगा इस तरीके के जो जॉइंस होते हैं इनको इक्वी जॉइन कहा जाता है ठीक है इनको इक्वी जॉइंस कहते हैं आगे बढ़ते हैं अगला दिया हुआ है इनर जॉइन

हाँ यहाँ पर भी डेटा ऑलमोस्ट सेम ही डिस्प्ले होता है जो जॉइन जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही डेटा आपको शो होगा दोनों टेबल्स में से है ना सिर्फ वही रोज़ डिस्प्ले होगी जिसमें वो जॉइन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी सिर्फ वही के वही रोज़ हमको वहाँ पर डिस्प्ले होती है अगला जो होता है वो होता है नेचुरल जॉइन अ नेचुरल जॉइन इज़ अ टाइप ऑफ इक्वी जॉइन वेयर जॉइन कंडीशन कंपेयर्स ऑल द सेम नेम कॉलम्स विथ बोथ टेबल्स जैसे कि मैं बोलूँ कि नेचुरल जॉइन मुझे लगाना है ये मेरा पहला टेबल है जिसमें तीन नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं ये मेरा दूसरा टेबल है इसमें चार नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो एक कॉलम तो कॉमन है ये वाला जैसे कि और ये वाला ये दोनों टेबल्स में कॉमन है है ना ये वाला और ये वाला तो क्या होता है जब हम इनको जॉइन करते हैं तो इसमें से भी ये वाला कॉमन वाला कॉलम दिखता है और इस टेबल में भी ये वाला कॉमन कॉलम दिखता है जबकि दोनों कॉलम्स में वैल्यू सेम है क्योंकि वो दोनों टेबल में था तो वैल्यू सेम है बट फिर भी वो क्या होगा वो दोनों टेबल्स में था तो दो बार आपको वो कॉलम आपके जॉइन में दिखेगा तो इसको बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन कि यहाँ पर अगर ए, एक या एक से ज़्यादा कॉमन कॉलम्स होंगे तो अगर फर्स्ट टेबल में भी वो कॉमन कॉलम है सेकेंड टेबल में भी कॉमन कॉलम है तो यहाँ पर वो कॉमन कॉलम वहाँ पर दो बार डिस्प्ले करेगा तो इसको बोला जाता है नेचुरल जॉइन ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि सेम नेम कॉलम्स इन बोथ द टेबल्स दोनों टेबल्स के सेम नेम कॉलम्स को वो डिस्प्ले करता है और दो बार करता है अगला जो जॉइन दिया हुआ है वो है लेफ़्ट जॉइन नाम से पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड के टेबल्स का कुछ डेटा इंपॉर्टेंट हो रहता होगा इसमें तो ये होता है लेफ्ट जॉइन लेफ्ट जॉइन क्या होता है अ लेफ्ट जॉइन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉइन दैट सिलेक्ट्स रोज फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट टेबल्स तो यहाँ पर क्या होता है लेफ्ट जॉइन में जो भी मैच करता होगा कॉलम लेफ्ट टेबल में और राइट right टेबल में दो टेबल्स रहते हैं तो दो टेबल्स में जो भी कॉलम्स मैच हो रहे होंगे वो उनको मैच करके डिस्प्ले कर देगा उसके बाद प्लस ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल इवन विथ नो मैचिंग रोज फाउंड इन द राइट टेबल मतलब क्या करेगा लेफ्ट टेबल और राइट right टेबल में जो मैचिंग कॉलम्स उसको लग रहे होंगे ज्वाइन कंडीशन लगने के बाद उनको वो मैच करके एक ये नया टेबल ऐसा बना देगा बना देने के बाद जो आपका लेफ्ट टेबल है लेफ्ट टेबल के बचे हुए जितने भी नंबर ऑफ़ रोज होंगे उनको भी उस आपके बने हुए टेबल के नीचे वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले कर देगा ये आपके लेफ्ट टेबल का बचा हुआ डेटा होगा तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन सिमिलरली राइट ज्वाइन राइट right जॉइन क्या करता होगा या आपका ये टेबल ए है या आपका टेबल बी है तो टेबल ए और टेबल बी को कंबाइन करके जो डेटा दिखेगा वो टू तो दिखेगा ही और फिर उसके बाद टेबल बी जो है उस टेबल बी के बचे हुए जितने कॉलम्स होंगे उन बचे हुए कॉलम्स को भी वो डिस्प्ले कर देगा टेबल बी के बचे हुए कॉलम्स को डिस्प्ले कर देगा तो ये कुछ कंसेप्ट बताया हुआ है यहाँ पर जॉइंट्स का जिसको एक बार आप समझ लीजिएगा आगे बढ़ते हैं इंडेक्सेस के ऊपर अब इंडेक्सेस क्या होते हैं तो इंडेक्स जैसा कि हम जानते हैं इंडेक्स हमने देखा था कि हर एक डेटा फ्रेम में क्या होता था कि हर एक अलग अलग रो का एक इंडेक्स होता था उसको पहचानने के लिए उसका एक इंडेक्स बन जाता था जैसे कि इंडेक्स टू बोला तो आपको पता चल जाता था कि इस डेटा फ्रेम में ये ज़ीरो इंडेक्स है ये वन इंडेक्स है ये टू इंडेक्स है ज़ीरो वन टू तो इस इंडेक्स की बात चल रही है तो वहां पर इंडेक्स का यूज करके हम क्या कर सकते थे हम फाइंड कर सकते थे उसकी लोकेशन क्या होती थी उसकी एक्चुअल लोकेशन हम फाइंड कर सकते थे सेम कंसेप्ट होता है यहाँ पर माइस्क्यूल के अंदर भी माएस्कुअल में भी इंडेक्सेस क्रिएट किए जा सकते हैं और इंडेक्सेस क्या करते हैं तो एक्चुअल लोकेशन टेबल में वो डेटा की जो एक्चुअल लोकेशन है वो बताने के लिए इंडेक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है अब इंडेक्सेस को और डिटेल में यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको एक बार हम पढ़ते हैं एन इंडेक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय डेटा बेस दैट हेल्प्स इट फाइंड रिकॉर्ड्स विद इन द टेबल मोर क्विकली ठीक है ये टेबल्स में डेटा को और क्विकली फाइंड करने के लिए ये इंडेक्सेस बनाए जाते हैं एन इंडेक्स स्टोर द सॉर्टेड और ऑर्डर्ड वैल्यूज विद इन द इंडेक्स इंडेक्स फील्ड एंड देयर लोकेशन इन द एक्चुअल टेबल जो इंडेक्स बनता है ये तो टेबल नहीं है ये तो इंडेक्स है ये तो अलग से डेटा सेव हो रहा है ये किसी टेबल के फॉर्म में थोड़ी ना मतलब ये एक टेबल थोड़ी ना है ये तो एक अलग से बना हुआ कुछ एक रिकॉर्ड है जो हर एक कॉलम के हर एक रो के बारे में कुछ उसकी एक्चुअल लोकेशन को स्टोर कर रहा है तो उसकी एक्चुअल लोकेशन को स्टोर करने के लिए जो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया उसको बोला गया इंडेक्स ठीक है तो ये इंडेक्स जो होता है ये इंडेक्स सॉर्टेड या ऑर्डर्ड वैल्यूज होती है ठीक है अब सॉर्टेड या ऑर्डर वैल्यूज होती है तो नीचे उसको देखेंगे अभी वो क्या होता है एन इंडेक्स इन अ डेटा बेस इज ऑल्सो अ टेबल और अ डेटा स्ट्रक्चर विच वैल्यूज ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर ये भी क्या है कहीं ना कहीं ये भी कुछ एक टेबल के फॉर्म में ही डेटा सेव करता है ठीक है बट वो क्या होता है एक किसी स्पेसिफिक uh, ऑर्डर में होता है जैसे कि ये देखो ये आपको ये दिख रहा है ये एक टेबल है दिस इज वन टेबल जिसमें रोल नंबर एक सौ एक एक सौ दो एक सौ तीन एक सौ चार चार बच्चे हैं जिसमें से निमिश जुनेद गुरज्योत और कैथरीन और उनके परसेंटेज यहां पर हमको दिए हुए हैं तो यहां पर इस पर्टिकुलर टेबल का अगर इंडेक्स बनेगा तो कैसे बनेगा तो देखो तो जैसे कि रोल नंबर एक रोल नंबर नाम का इंडेक्स बना जिसमें सबके रोल नंबर सेव हुए देखो एक ऑर्डर में ही है और उनकी जो भी पॉइंटर लोकेशन होगी वो पॉइंटर लोकेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी जिससे कि इजीली पता चल जाए कि वो किस लोकेशन पर सेव है अगला क्या है अगला है परसेंटेज तो आप देखो परसेंटेज किस ऑर्डर में एटी थ्री एटी फाइव एटी सेवन नाइन्टी फाइव और यहाँ पर क्या सेम ऑर्डर में नहीं एटी थ्री एटी सेवन नाइन्टी फाइव और एट्टी फाइव यहाँ पर ऑर्डर अलग है बट यहाँ पर क्या हुआ है एक सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा सेव हुआ है अब इसकी लोकेशन इसकी लोकेशन इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन यहाँ पर सेव हो जाती है ठीक है अगला है नाम तो आप देख सकते हो नाम भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा सेव होता है तो कैथरीन गुरजोत जुनेद और निमिश तो ये तो पूरे अलग ऑर्डर में सेव है यहाँ पर नंबर पर देखो जो कैथरीन का लोकेशन पॉइंटर है वो ये है गुरजोत का जो लोकेशन पॉइंटर है वो ये है जुनेद का जो लोकेशन पॉइंटर है वो ये है और निमिष को जो पॉइंट कर रहा है वो है ये ऊपर वाला तो इस तरीके से यहां पर इंडेक्स के अंदर डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में सेव किया जा सकता है ठीक है तो इंडेक्सेस क्रिएट चलो इंडेक्सेस तो पता चल गया कि इंडेक्स क्या करते हैं डेटा सेव करते हैं लोकेशन सेव करते हैं पर्टिकुलर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं किसी भी एक डेटा के बारे में किसी भी एक कॉलम के बारे में किसी भी एक फ़ील्ड के बारे में उसको स्टोर करके रखते हैं इंडेक्सेस कि प्रॉपर लोकेशन पता रहे कहाँ पर डेटा है एक्चुअल उसकी लोकेशन क्या है कौन से टेबल में है तो वो सारी उसकी रेफरेंस लोकेशंस वहाँ पर इंडेक्स के अंदर सेव होती हैं अब इंडेक्स क्रिएट करने के दो तरीके हैं पहला तरीका क्रिएट इंडेक्स एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन जब आप क्रिएट टेबल का यूज़ करके क्रिएट टेबल कमांड यूज़ करके जब टेबल क्रिएट करते हो तभी इंडेक्स ऐड कर दो या तो फिर क्रिएट इंडेक्स ऑन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल दो तरीके हैं या तो पहले से बने हुए टेबल में क्रिएट कर लो या तो फिर नए टेबल को जब बना रहे हो तभी क्रिएट कर लो तो ये देखो जैसे कि एक नया टेबल बनाया प्लेयर्स नाम का <coughs> इस प्लेयर्स नाम के टेबल में देखो प्लेयर नंबर नाम का कॉलम है नेम नाम का कॉलम है डेट ऑफ बर्थ नाम का कॉलम है सेक्स नाम का कॉलम है एड्रेस नाम का कॉलम है फ़ोन टीम नंबर और प्राइमरी की और टीम नंबर नाम का कॉलम है प्राइमरी की इन्होंने माना है प्लेयर नंबर को तो ये जो है प्लेयर नंबर ये प्राइमरी की है तो देखो इसके आगे नॉट नल भी लिखा हुआ है क्योंकि प्राइमरी की है मतलब वो वैल्यू नल तो नहीं हो सकती यूनिक रहेगी तो वो नल तो रहेगी नहीं और उसके साथ आपने नीचे रेड कलर से जो लाइन लिखी है वो इंडेक्स क्रिएट करने की लाइन है मतलब इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होता है आई एन डी ई एक्स इंडेक्स क्रिएट करने के लिए लिखना होता है इंडेक्स स्पेस देकर इंडेक्स का नाम तो यहाँ पर देखो इंडेक्स और इंडेक्स का नाम क्या दिया हुआ है तो प्लेयर अंडर स्कोर आई डी एक्स क्योंकि इनके नाम में स्पेस नहीं आता तो प्लेयर अंडर स्कोर आई डी एक्स ये इनका इंडेक्स का नाम दे दिया इन्होंने और इस प्लेयर अंडर स्कोर आई डी एक्स नाम के इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर करनी है तो हमने दे दिया कि टीम नंबर जो है उस टीम नंबर ये जो टीम नंबर है टीम नंबर में जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी वैल्यूज़ का एक इंडेक्स मेंटेन होगा जहाँ पर एक प्रॉपर ऑर्डर में आपका पूरा का पूरा एक्चुअल डेटा लोकेशन हर चीज़ वहाँ पर सेव होगी कहाँ की के टीम नंबर में क्या क्या डेटा डला हुआ है ठीक तो ये इस तरीके से आप नया टेबल बनाते टाइम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो और अगर आप पहले से बने हुए टेबल में क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से क्रिएट इंडेक्स ठीक इंडेक्स का जो भी नाम देना है इंडेक्स का नाम किस टेबल पे बनानी है तो उस टेबल का नाम ठीक है और उसके बाद जो भी कॉलम्स आपको उसमें ऐड करने हैं वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्रिएट इंडेक्स प्लेयर आईडी एक्स किस पे बनाना है तो ऑन प्लेयर्स प्लेयर्स नाम का टेबल टेबल है ना हमारा तो ऑन यहाँ पर ऑन लिखा जाता है इंडेक्स बनाते टाइम है ना फ्रॉम नहीं लिखा जाता ऑन लिखा जाता है ये चीज़ ध्यान रखना फ्रॉम नहीं लिखते इंडेक्स क्रिएट करते टाइम ऑन लिखते हैं ऑन प्लेयर्स और प्लेयर्स में भी कौन से कॉलम पे बनाना है तो टीम नंबर पे तो यहाँ पर क्या होगा टीम नंबर के नाम पे यहाँ पर टेबल क्रिएट होगा अब टीम नंबर किसी का वन हो सकता है किसी का भी एक और का वन हो सकता है टू थ्री थ्री फाइव तो यहाँ पर डेटा रिपीट होगा तो वो दो बार उस डेटा को वहाँ पर उस टेबल में स्टोर करेगा इंडेक्स बनाते समय बट अगर आप चाहते हो कि डेटा रिपीट ना हो सिंगल टाइम है तो सिंगल टाइम ही डेटा है <laughs> इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि डेटा रिपीट ना हो तो आपको उसके लिए एक और कीवर्ड ऐड करना होता है जो होता है यूनिक क्रिएट यूनिक इंडेक्स इंडेक्स का नाम ऑन टेबल का नाम प्लेयर्स और कौन से कॉलम पे बनाना है तो टीम नंबर तो इस तरीके से हम इंडेक्स को पहले से बने हुए टेबल पर भी क्रिएट कर सकते हैं दिस इज इट इसके बाद इन्होंने uh, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए सॉल्व प्रोग्राम्स और लेटेस्ट रिवाइज तो ये तो जितने भी दिए होते हैं ये सारी चीज़ हम जानते हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जितना भी सॉल्व पार्ट दिया हुआ है एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एस तो ये आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा और इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ये देखो ये प्रोग्राम तो लास्ट ईयर भी था सेम के सेम प्रोग्राम्स यहाँ पर दे दिए गए इनको एक बार सॉल्व करके देखना और देखना कि अगर कुछ आंसर कोई सा नहीं आ रहा होगा तो उसको फिर हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व होगा ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स लास्ट ईयर के हैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है ये सारे हमने लास्ट ईयर देखे थे आ, बट फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना पर इनको सॉल्व करना आपकी ज़िम्मेदारी आपको करना ही पड़ेंगे इस चैप्टर में से काफ़ी चीज़ें आती हैं माएस्क्यूएल काफ़ी वेटेज रखता है अराउंड थर्टी मार्क्स का वेटेज रखता है माएस्क्यूएल तो क्वेरीज तो आती ही आती हैं ज्वाइन कंडीशन पर एक क्वेश्चन आता ही आता है तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए कि आ, कैसे ज्वाइंट कंडीशन वर्क करती है और कैसे हम टेबल्स में इनको लगा सकते हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कैसे क्वेरीज बना सकते हैं सो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे ये वीडियो को एक बार और समझें देखें कुछ डाउट हो तो पूछें और नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो नेक्स्ट फंक्शंस uh, वाला चैप्टर है जिसमें माई स्क्वेल के फंक्शंस हैं उसको स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट चैप्टर जो भी हमारा होगा उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे ठीक है वो डिटेल में समझाएगा जॉइंट्स को तो हम उसको आगे देखेंगे कि जॉइंट्स कैसे बनते हैं जॉइंट्स क्या होते हैं तो आगे हमको समझाया हुआ है तो वो हम आगे के चैप्टर्स में उसको और क्लियरली समझ लेंगे विथ एग्ज़ाम्पल्स एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको समझ में आएगा वहाँ पर ठीक सो स्टूडेंट्स ऑलराइट ये इसमें डाउट्स एक बार देख लेना और मुझसे पूछ लेना सो थैंक यू सो मच फॉर टूडेज़ क्लास सी यू इन द नेक्स्ट क्लास